बड़वा शहर की पुखराज कॉलोनी में देर रात्रि अज्ञात चोरों ने दो मकानों पर धावा बोलकर वहां से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के दौरान कंबर अली व उनकी पत्नी खेरू निशा ने जब चोरों का सामना करना चाहा तो शातिर चोर लोहे की छड़ से दंपत्ति को लघु लुहान करके फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घटना शनिवार रविवार के दरमियान रात्रि की है। बताया जा रहा है कि जहां रोजा रखने के लिए सहरी कर रहे पति पत्नी के घर को निराशा बनाते हुए दंपत्ति पर हमला बोल चोर नकदी और सेवरात समेत ले गया। जब चोर शराबे की आवाज़ सुनकर बहु बेटे जागे तो माता पिता बेहोश अवस्था में पड़े थे, जिनको उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं दूसरी ओर चोरों ने शहर के ही एक अन्य मकान में भी धापा बोलकर वहां से नकदी जेवरात चुरा लिए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही बड़वा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना कर जांच में जुट गई है। तो शायद अंदर आए हुए दरवाज़ा कहीं से खुला भी नहीं था, कहीं कोई बंद भी नहीं किया किसी ने, लेकिन जब मैं 2 बजे भी उठी थी तब कुछ हलचल कुछ लगी नहीं मेरे को, लेकिन जब मैं अंदर जाके लेट में सोई थी देर के बाद में इनके सर पे वार किया, कबर्ड खोल के एक बंदा खड़ा हुआ था तो इनके सर पे वार किया इनको निपटाने के लिए, लेकिन मेरी नींद खुल गई तो मेरे सर पे भी मार आए इन्होंने। कितने लोग थे? 2 थे। दो आदमी लड़के खड़े हुए हैं तो वो क्या कर रहे थे, उसने मुझे उठाने की कोशिश करी, मुझे उठाने की कोशिश करी, उससे पहले उन्होंने मुझे गार्ड मार दी, मैं सर से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया रोड पे। तो रात में इसमें अज्ञात दो चोरों ने चोरी के वारदात अंजाम दिया है, जिसमें कि पति पत्नी कमर अली को उनको एक उड़ गए थे तो चिल्लाने पर उनको चोट आई, उनको असाट किया है हाथे में। उसके अलावा पड़ोस में भी चोरी घटना अंजाम दिया है। हम लोग गश्त बढ़ा रहे हैं और संबोधित लोगों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। बड़वा से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।